हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेटल फॉर्मिंग को। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम लोग मेटल फॉर्मिंग को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्जिंग टेक्निक के बारे में। तो फोर्जिंग टेक्निक क्या है? यह एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है और इसमें हम क्या करते हैं, इससे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं आज की क्लास में कि फोर्जिंग क्या है और क्या क्या टेक्निक्स है, क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें, क्या मैथमेटिकल फॉर्मूला हो सकता है फोर्जिंग में, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फोर्जिंग एक मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक लिए है, सिमिलर टू आपका एक्सट्रूजन प्रोसेस है जैसा, या रोलिंग है वैसे। इसमें भी क्या होगा, आपका कोई मटेरियल रिमूवल नहीं होगा, या भी इसमें क्या होगा, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होगा मटेरियल का। तो एक फोर्जिंग टेक्निक हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमारे पास दो डाई है, एक हमारे पास क्या है स्टेशनरी डाई है और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा हमारे पास क्या है, एक स्टेशनरी डाई है, दूसरा हमारे पास क्या है, एक मूवेबल डाई। दो डाई है हमारे पास, एक स्टेशनरी डाई है और दूसरा क्या हमारे पास, मूवेबल डाई। ये डाई हमारा ऊपर वाला स्टेशनरी डाई है और नीचे का डाई जो है, हाँ सॉरी, ऊपर का मूवेबल डाई है और नीचे का क्या स्टेशनरी डाई है। तो हमारे पास इनिशियली ये हमारे पास एक जॉब है जिसको हमें फॉर्म करना है। फॉर्म करना है मतलब कि इसका हाइट रिड्यूस कर देना है और इसका हमें क्या करना है, हाइट रिड्यूस करना है और डायमीटर इंक्रीज करना है। ये हमारा जॉब है, जॉब का काम है। उसमें हमारे पास क्या है, ये स्टेशनरी डाई है, ये स्टेशनरी डाई है, ये बॉटम है हमारे पास, बॉटम में स्टेशनरी डाई है और बीच में हमने जॉब रखा है। अभी हम क्या करेंगे, इसका फोर्जिंग करेंगे। तो फोर्जिंग करेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर से हम क्या करेंगे, इसको हैमरिंग करेंगे, उसका इस पर हम क्या करेंगे, लोड अप्लाई करेंगे। तो इस पर लोड अप्लाई करेंगे, तो लोड अप्लाई करेंगे तो मटेरियल क्या होगा, एक टाइम तक मटेरियल क्या करेगा, उस लोड को सस्टेन करेगा। अचानक से इसमें डिफॉर्मेशन नहीं होगा, अचानक से इसमें फॉर्मिंग नहीं होगा, क्या करेगा, मटेरियल अपना उस लोड को सस्टेन करेगा। मटेरियल के अंदर स्ट्रेस जनरेट होगा, स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, एक टाइम आएगा कि वो स्ट्रेस जो होगा ना, फ्लो स्ट्रेस के आसपास आएगा, तब क्या करेगा, इस मटेरियल में डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, ये मटेरियल फ्लो करना चालू कर देगा। तो फ्लो होगा तो फर्दर इसी में क्या होगा, इस डाई है ये मूव करते रहेगा, मूव करेगा और आपको जो शेप चाहिए वो मिल जाएगा। तो इस तरह से मूव करेगा और आपको जो शेप चाहिए, फाइनल शेप आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से डाई क्या करेगा, ये आपका टॉप का डाई क्या करेगा, वो मूव करेगा और फाइनली आपको शेप मिल जाएगा। तो ये हमारा फोर्जिंग टेक्निक है जिसमें हमारे पास दो डाई होते हैं और दो डाई में क्या होते हैं कि एक टॉप डाई होगा, एक बॉटम डाई होगा। तो टॉप डाई क्या करेगा, मटेरियल को प्लास्टिकली डिफॉर्म करेगा और फॉर्मिंग उसमें होगा। इस तरह से हमारा क्या डिफॉर्म हो रहा है और डिफॉर्मेशन के बाद हमारे पास फाइनल हाइट मिल रहा है, फाइनल डायमीटर मिल रहा है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है, डिस्कस करते हैं कि इसमें, इस टेक्निक में, फोर्जिंग टेक्निक में हम क्या करते हैं कि जो रॉ मटेरियल होगा उसको हम कंप्रेस कर देते हैं दो डाई के बीच में। तो दो डाई के बीच में हम उसको क्या करते हैं, कंप्रेस करके और जो भी रिक्वायर्ड शेप एंड साइज है वो ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, तो दो रॉ मटेरियल को हम क्या करते हैं, दो डाई के बीच में हम डिफॉर्म करते हैं, कंप्रेस करते हैं, जो रिक्वायर्ड शेप एंड साइज उसको अचीव करते हैं और इस तरह से हमारा क्या होता है, फोर्जिंग प्रोसेस होता है। फोर्जिंग प्रोसेस में क्या होगा कि वॉल्यूम, जो प्रोसेस से पहले प्रोसेस के बाद में वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। यूं तो आपका इंटायर मेटल फॉर्मिंग में क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, बट यहाँ पे भी आपका कांस्टेंट होगा। और ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो वॉल्यूम पहले और बाद में सेम होगा, यानी कि ए नॉट एच नॉट बराबर इक्वल्स टू ए एफ एच एफ हो जाएगा। ए नॉट एच वन और ए एफ इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ए एफ एच एफ आपका हो जाएगा। फिर हम अगर आगे चलेंगे, ए नॉट एच नॉट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आपका ए एफ एच एफ हो जाएगा। अगर हम ए नॉट की जगह लिख देंगे पाई बाई फोर डी नॉट स्क्वायर, एच नॉट इक्वल्स टू पाई बाई फोर डी एफ स्क्वायर एच एफ हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास एक कुछ कैलकुलेशन हो जाएंगे। तो यहाँ से एक सिंपल फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा, एक सिंपल फॉर्मूला आएगा कि यहाँ से ये पाई बाई फोर और ए पाई बाई फोर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा डी नॉट स्क्वायर एच नॉट इक्वल्स टू डी एफ स्क्वायर एच एफ। अगर हम इसको थोड़ा और अरेंज कर देंगे तो यहाँ से एच एफ जो हो जाएगा वो इस तरह से, ये फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट है, या डी एफ इक्वल टू आप निकल लिख सकते हैं। तो यहाँ से फाइनल हाइट निकाल सकते हैं या फाइनल डायमीटर निकाल सकते हैं। तो फाइनल डायमीटर जो आपको चाहिए जॉब पे, वर्क पीस पे, वो निकाल सकते हैं, या फाइनल हाइट जो चाहिए वर्क पीस पे वो आप निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला, इसको आप कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। तो अभी बात करते हैं जो फोर्जिंग होता है, जो फोर्जिंग प्रोसेस होता है वो तीन डिफरेंट टाइप का होगा, एक ओपन डाई फोर्जिंग, सेमी क्लोज डाई फोर्जिंग और क्लोज डाई फोर्जिंग। ये जो हमारे पास एग्जांपल है वो ओपन डाई फोर्जिंग का एग्जांपल है। ये हमारा कैसा फोर्जिंग है, ओपन डाई फोर्जिंग। ये फोर्जिंग जो है वो हमारा क्या है, ओपन डाई फोर्जिंग।
मीन्स डाई कम्प्लीटली ओपन है, इसमें कोई क्लोज का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमने फॉर्जिंग प्रोसेस को देखा है ब्लैक स्मिथी शॉप में, या हम मार्केट में ब्लैक स्मिथी पर्सन के पास या शॉप में हमने देखा है कि वहाँ पे हैमरिंग करते रहते हैं। कुछ आपको कुछ बनाना हो, मेटलिक या से आयरन का कुछ बनाना है आपको, तो आप क्या करते हैं वहाँ पे ब्लैक स्मिथर के पास ले जाते हैं, और वो क्या करता है कि आप ब्लैक स्मिथी शॉप में ले जाते हैं और वहाँ पे क्या करता है आपको फोर्जिंग करता है। फोर्जिंग करने के लिए वो क्या कर सकता है, हीट टेम्परेचर दे सकता है या कोल्ड स्टेट में कर सकता है, बट एक लेवल का टेम्परेचर देता है। तो टेम्परेचर दे के उसको आपने देखा होगा कि रेड हॉट करके उसको क्या करता है फिर फॉर्मिंग करता है। तो यहाँ पे जो फोर्जिंग होगा वो तीन तरह का हो सकता है, एक ओपन डाई फोर्जिंग हो सकता है, क्लोज सेमी क्लोज डाई फोर्जिंग हो सकता है, और एक फुली क्लोज डाई फोर्जिंग हो सकता है। हम आगे डिस्कस करते हैं आगे के स्लाइड्स में। ये हमने ओपन डाई फोर्जिंग को ऑलरेडी देख सीखा, ये हमारा एग्जाम्पल है ओपन डाई फोर्जिंग का। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल इसमें एक ये सेमी क्लोज डाई फोर्जिंग है और ये हमारा क्या क्लोज डाई फोर्जिंग है। तो अभी डिस्कस करते हैं सेमी क्लोज डाई फोर्जिंग में। तो ये हमारा सेमी क्लोज डाई फोर्जिंग है कि जिसमें हमारे पास जॉब है, और जॉब को क्या करते हैं हम, जॉब इनिशियली प्लेस है और इसको हम क्या करते हैं फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे भी दो डाई है, एक टॉप डाई है एक बॉटम डाई है, और दोनों डाई की हेल्प से हम क्या करते हैं इसका फॉर्मिंग करते हैं। तो टॉप डाई क्या करता है, यहाँ से मटेरियल को कंप्रेस करता है स्टेशनरी डाई पे, और यहाँ पे क्या होगा मटेरियल का जो रॉ मटेरियल उसका फॉर्मिंग होगा। और ये जो जो शेप है, ये जो स्टेशनरी डाई का शेप है, वो शेप क्या करेगा, वो गेन कर लेगा वर्क पीस। और यही शेप हमें रिक्वायर्ड है, वर्क पीस पे ये शेप चाहिए हमें। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जो बॉटम डाई है उस पर हमने क्या कर दिया, शेप दे दिया है। तो बॉटम डाई पे हमने शेप दे दिया है, और हम क्या कर रहे हैं कि टॉप डाई पे कोई हमने शेप नहीं दिया, वो जस्ट सिंपली फ्लैट है। तो इससे कंप्रेस करेंगे तो ये जो डाई का जो बॉटम पार्ट, ये जो वर्क पीस का जो बॉटम पार्ट है, वो ये डाई का जो शेप है वो शेप ले लेगा, और यहाँ से ऊपर से ओपन है। बट अगर हम एग्जाम्पल इसमें देखेंगे क्लोज डाई फॉर्जिंग में, तो इसमें क्या है शेप दोनों पार्ट में बना हुआ है, टॉप डाई में भी आपका शेप है और बॉटम डाई में भी आपका क्या है शेप है। तो शेप दोनों डाई में पे बना हुआ है, तो जब इसमें फॉर्मिंग करेंगे तो इस तरह से आपका क्या होगा मटेरियल फॉर्म करेगा, और इस तरह से आपका क्या होगा कि इस तरह से जो आपका वर्क पीस है वो कंप्लीटली डाई का टॉप एंड बॉटम डाई का शेप ले लेगा। हम इसमें गटर का प्रोविजन करते हैं, गटर का यूज है। गटर का क्या काम है कि गटर जो है क्या करता है, जो भी एक्स्ट्रा फ्लैश जनरेट होगा, जो भी एक्स्ट्रा हम क्या करते हैं जब फोर्जिंग करना होता है तो हम क्या करते हैं 10-20% एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, इसलिए ताकि जो जो आपका कैविटी हो वो कम्प्लीटली फिल हो जाए, कहीं पे भी इम्पिटी ना रहे। मान लीजिए आपका गलती से थोड़ा सा इम्पिटी रह जाएगा तो क्या होगा, आपका ये जो जॉब है वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। इसलिए टू इंश्योर द कम्प्लीट आपका जो फिलिंग हो, कैविटी का कम्प्लीट फिलिंग हो, हम क्या करते हैं कुछ पार्ट क्या करते हैं 10-20% एक्स्ट्रा हम दे देते हैं रॉ मटेरियल, और जिसको हम फर्दर क्या करते हैं ट्रीमिंग करके रिमूव कर सकते हैं, और हमारा वर्क पीस जैसा चाहिए था वैसा हो जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसका नाम है फ्लैश, ये फ्लैश। तो अभी हमने डिस्कस किया फोर्जिंग के तीन डिफरेंट टाइप्स को, एक ओपन डाई फोर्जिंग, सेमी क्लोज डाई फोर्जिंग एंड क्लोज डाई फोर्जिंग। क्लोज डाई फोर्जिंग में हम विशेष ध्यान रखते हैं कि कुछ परसेंटेज ऑफ मटेरियल हम एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं। आगे कुछ न्यूमेरिकल से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम कुछ देखते हैं कि क्या मैथमेटिकल फॉर्मूला आपका हो सकता है, कि क्या होगा अगर आप द फोर्स अप्लाइड एंड एक्सपेंशन ऑफ मटेरियल इन फोर्जिंग सिमिलर टू दैट ऑफ थिन सिलेंडर एक्सपीरियंसिंग इंटरनल प्रेशर। जो फोर्स का हम अप्लाई करते हैं और जिससे एक्सपेंशन होता है मटेरियल का, जिससे मटेरियल का फॉर्मिंग होता है, वो सिमिलर टू आपका क्या इंटरनल प्रेशर जिस जब हम थीन सिलेंडर पे अप्लाई करते हैं, ये दोनों सिमिलर होता है, दोनों एनालोगस है। तो इसलिए आप क्या करते हैं सिग्मा एच इक्वल टू 2σl यूज कर सकते हैं, और या एप्सिलॉन एच इक्वल टू 2εl, हुप स्ट्रेस इक्वल टू 2 times ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ये फॉर्मूला हमने थीन सिलेंडर में पढ़ा है, या पढ़ सकते हैं अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो ये थीन सिलेंडर में पढ़ना है आपको। अब यहाँ से फोर्जिंग जो फोर्स होगा वो आपका क्या होगा सिग्मा वाई ए एफ 1+2μrf/3hf। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्जिंग फोर्स कैलकुलेट करने के लिए। फॉर्जिंग फोर्स एफ स्मॉल एफ मीन्स फॉर फॉर्जिंग फोर्स फॉर फॉर्जिंग। तो फॉर्जिंग फोर्स क्या होगा, ये सिग्मा वाई क्या आपका फ्लो स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल, ए एफ फाइनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, आर एफ क्या है हाफ ऑफ द डायमीटर, एच एफ क्या है हाइट, और वी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन।
तो आर एफ और एच एफ आपका रेडियस एंड हाइट ऑफ वर्क पीस है। और अगर आपके पास नॉन सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा तो ये जो फॉर्मूला होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया नॉन सर्कुलर इक्वल्स टू क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर, और सर्कुलर के फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर है। तो यहाँ से आप आर एफ लिख सकते हैं, इस तरह से फॉर्मूला लिख सकते हैं कि आर एफ क्या होगा, फोर आर एफ जो होगा, अगर नॉन नॉन आर एफ का वैल्यू हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपके पास, लेकिन अगर आपको जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो नॉन सर्कुलर है तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके उसका अप्रॉक्सीमेट जो रेडियस होगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जो एक्चुअल फोर्जिंग फोर्स होगा, एक्चुअल फोर्स होगा वो मिनिमम फोर्स डिवाइडेड बाई इफिशियंसी होगा, और ये जो मिनिमम होगा वो कैसे निकालेंगे, इनिशियल मिनिमम प्लस फाइनल मिनिमम बाई टू। और इसको निकालने का और तरीका है, जहाँ पे इनिशियल मिनिमम जो होगा वो सिग्मा बाई ए नॉट होगा और फाइनल मिनिमम क्या होगा, सिग्मा बाई ए एफ, क्योंकि ये फाइनल एरिया है, यहाँ पे इनिशियल एरिया है, तो इनिशियल मिनिमम है और फाइनल एरिया है तो फाइनल मिनिमम। वर्क डन जो होगा हम कैलकुलेट करते हैं फोर्स इंटू डिस्टेंस से, फोर्स यहाँ पर एफ एफ है और डिस्टेंस क्या हो जाएगा एच एफ एच नॉट माइनस एच एफ, फाइनल हाइट हमारे पास ज़्यादा है और ये बाद का हाइट कम है तो इसलिए एच नॉट माइनस एच एफ होगा। तो ये इस तरह से हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं और हम फोर्जिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फोर्जिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या क्या कैलकुलेट किया कि फोर्जिंग फोर्स क्या होगा, ये फॉर्मूला है फोर्जिंग फोर्स का, जब आपके पास सिग्मा वाई गिवेन हो, आर एफ गिवेन हो और एच एफ भी गिवेन हो, साथ ही साथ म्यू गिवेन हो, तो ये सब वैल्यूज अगर आपको गिवन है तो आप क्या यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सर्कुलर नहीं है तो नॉन सर्कुलर है तो उसको आप नॉन सर्कुलर को सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया के रेडियस से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। एक्चुअल फोर्स जो होगा मिनिमम फोर्स बाई इफिशियंसी ऑफ द फोर्जिंग प्रोसेस होगा, और या मिनिमम फोर्स का ये जो इनिशियल मिनिमम और फाइनल मिनिमम के एवरेज से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बात जहाँ पे इनिशियल मिनिमम हो जाएगा वह सिग्मा वाई ए नॉट और फाइनल मिनिमम कितना हो जाएगा सिग्मा वाई ए एफ, वॉकडन भी कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स इंटू डिस्टेंस फॉर्मूला से। हम अब बात करते हैं ड्रॉप हैमर टाइप फोर्जिंग में, जिसमें हम जो हमारे ब्लैक स्मिथी शॉप में जनरली यूज करते हैं उसमें क्या करते हैं, हैमरिंग करते हैं कंटिन्यूसली, हम क्या करते रहते हैं हैमरिंग करते रहते हैं। तो वेट हमारा डब्ल्यू है, हाइट जिससे हम हैमरिंग करते हैं, जिस वेट से जिस हाइट से हम हैमरिंग कर रहे हैं वो हमारा क्या एच है। तो वेट एंड हाइट ऑफ हैमर है आपका जिसमें हम क्या कर रहे हैं, तो हाइट क्या हो जाएगा वर्क डन बाई टू डब्ल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से वर्क डन का वर्क ये वर्क डन का फॉर्मूला है, तो यहाँ से ये फॉर्मूला हो जाएगा। फाइनली अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, ये तो जो हैमरिंग है वो मल्टीपल टाइम्स करते हैं, तो मान लीजिए कि वो एन टाइम्स कर रहे हैं तो वर्क डन को आप क्या लिख सकते हैं, एन टू डब्ल्यू एच लिख सकते हैं, जहाँ एन हम क्या नंबर ऑफ ब्लोस मतलब कितने बार आप हैमरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हैं, वर्क डन बाय आपका टू डब्ल्यू एन है तो वर्क डन जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा टू डब्ल्यू बाई टू डब्ल्यू एन हो जाएगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा, ये यह एक्सप्रेशन है फॉर नंबर ऑफ आपका जो ब्लोज है, नंबर ऑफ टर्म्स आप जो हैमरिंग कर रहे हैं वो एक है, यहाँ पे मोर देन एक है, तो ये इसके लिए फॉर्मूला। अब ये क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस फॉर्मूला समझ में आया कि यहाँ पे अगर आपके पास वर्क डन आपका आप जो हैमरिंग कर रहे हैं वो सिंगल टाइम कर रहे हैं तो यहाँ पे एन का वैल्यू वन होगा, मल्टीपल टाइम्स करेंगे तो यहाँ पे एन रहेंगे। और इससे हम क्या कर सकते हैं कि किस हाइट से आपको हैमरिंग करना है, किस हाइट तक उठा के हैमरिंग करना है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। उसके लिए आपको फोर्जिंग फोर्स चाहिए, वर्क डन, अमाउंट ऑफ एक्टिव वर्क, नंबर ऑफ आपको जो टर्म्स, नंबर ऑफ ब्लोज होना चाहिए कि कितने बार आप उसको हैमरिंग कर रहे हैं, और हाइट। ये प्रॉब्लम है कोई स्टील का आपका क्या है एस एस का वर्क पीस है जिसमें डायमीटर जो इनिशियल डायमीटर है 200 एम एम है और इनिशियल हाइट कितना है 150 एम एम। दिस कंपोनेंट इज रिड्यूस बाई 50%, आपको इसको 50% इसके हाइट को रिड्यूस करना है तो क्या होगा, उसका डायमीटर इंक्रीज करेंगे। अज्यूमिंग द फ्लो स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल 1000 मेगा पास्कल एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2, आपको दिया हुआ सिग्मा वाई कितना है 1000 एमपीए और म्यू का वैल्यू कितना है 0.2। फाइंड एस्टिमेटेड फोर्जिंग फोर्स एट द एंड ऑफ द स्ट्रोक, फोर्जिंग फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास, फोर्जिंग फोर्स इक्वल्स टू क्या है सिग्मा एफ एफ सिग्मा वाई दिस। तो इस एक्सप्रेशन में आपको फाइनल क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है नहीं गिवन है, तो एच एफ भी गिवन है आपका एच एफ भी गिवन नहीं, तो ए एफ और एच एफ निकालना है, सिग्मा वाई पता है, म्यू पता है, आर एफ निकल जाएगा, डी एफ इक्वल्स टू डी एफ एच नॉट बाई एच एफ, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, डी एफ इक्वल्स टू डी नॉट एच नॉट बाई एच एफ,
तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे डी नॉट का वैल्यू हमें गिवन है, डी नॉट का वैल्यू कितना है 200 mm में, तो यहाँ से ये कैलकुलेट करेंगे तो डी एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा 282 पॉइंट, बाकी डी नॉट एच नॉट और एच एफ पता है, तो यहाँ से डी एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा आप कैलकुलेट करते हैं। फोर्जिंग फोर्स पाई बाई फोर हो जाएगा डी ए स्क्वायर, डी ए स्क्वायर मतलब कि क्या हो जाएगा डी एफ स्क्वायर, ये लिख दिया हमने। और इसके बाद क्या है सिग्मा वाई 1000 गिवेन है, 1 + 2 μ, μ आपका गिवेन है, आर एफ एच एफ बाई 2, आर एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डी एफ बाई 2, और एच एफ कितना हो जाएगा एच एफ आपका दिया हुआ है 75, 50% इन हाइट रिड्यूस कर रहे हैं, तो 150 है तो कितना हो जाएगा 50% इसका 75, तो ये 75 है, तो 75 हो जाएगा आपका, आपका ये फॉर्मूला था, आपका फॉर्मूला में 3HF था, तो यहाँ पे 3HF हमने लिख दिया। कैलकुलेट करेंगे तो 78.6 MN आपका। तो ये हमने सिंपल फॉर्मूला देखा फोर्जिंग प्रोसेस पे, तो और फोर्जिंग प्रोसेस में हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, RF भी हमने निकाल लिया, कैलकुलेट में आपको फाइंड द एस्टिमेटेड फोर्जिंग फोर्स एट द एंड ऑफ द स्ट्रेक, तो हमने निकाल लिया RF। कुछ प्राइमरी ऑपरेशन है आपका फोर्जिंग में, उसको डिस्कस करते हैं, जैसे कि प्रोसेस का नाम है फुलरिंग। फुलरिंग क्या है, ए मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द मटेरियल फ्रॉम सेंटर टू आउट टुवर्ड्स नॉन यूनिफॉर्म। आपको मटेरियल को आपको क्या करना है, सेंटर से लेके मटेरियल को क्या करना, सेंटर से आउटवर्ड तक नॉन यूनिफॉर्म वे में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये जो वह जो टेक्निक है उसका नाम क्या है, फुलरिंग। नेक्स्ट है आपका क्या, ड्राइंग। तो ड्राइंग आपने ड्राइंग ट्यूब ड्राइंग वायर ड्राइंग आपने देखा, तो इसमें क्या करता है मटेरियल को, मेटल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड्स यूनिफॉर्मली। नॉन यूनिफॉर्मली आपको करना है तो फुलरिंग करेंगे, यूनिफॉर्मली आपको करना है तो ड्राइंग करना होगा। ऑफसेटिंग है मेथड्स यूज फॉर रिड्यूसिंग लेंथ एंड इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर आपको लेंथ रिड्यूस करना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज करना है, तो आपको कौन सा टेक्निक यूज करना है, ऑफसेटिंग। एजिंग या एजियरिंग किसको बोलते हैं, एजिंग या एजियरिंग यह एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे हम, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे हम क्या करते हैं, लोकली हम क्या करते हैं मटेरियल को कलेक्ट करते हैं, तो ये हमारा क्या है एजिंग है या एजरिंग है। फ्लैटरिंग क्या है कि आप क्या करते हैं कि हम उसको फ्लैट सरफेस को हम क्या करते हैं फ्लैट बनाते हैं, उसको फ्लैटरिंग कहते हैं, सरफेस को पीट पीट के या जो भी हो आपका हम उसको क्या करते हैं फ्लैट बनाते हैं, उसको फ्लैटरिंग कहते हैं। चैम्फरिंग क्या है, चैम्फरिंग आपका जो भी आपका नॉट रिक्वायर्ड आपके जो भी पार्ट्स है जहाँ पे शार्प एजेज हो, जहाँ पे भी शार्प एजेज है उसको हम क्या करते हैं राउंड कर देंगे या ट्रिम कर देंगे उसको, तो या उसको हम चैम्फर कर देंगे, तो उसको बोलते हैं चैम्फरिंग। तो जब भी जैसे हमारे भी बॉडी में है, तो कहीं भी हमारे पास कोई नुकीला पार्ट्स है नहीं है, सब जहाँ पे भी पार्ट्स है वो क्या है स्मूथ है, तो ऑलरेडी गॉड ने हमें क्या करें चैम्फरिंग करके भेजा है। तो जहाँ पे भी शार्प एजेज है उस शार्प एजेज को अगर आपने रिमूव कर दिया है, तो रिमूव करने का जो टेक्निक है उसको क्या बोलते हैं चैम्फरिंग। नेक्स्ट हमारे पास बेंडिंग, बेंड करना दैट इज बेंडिंग, जो भी रिक्वायर्ड आपका एंगल है उसमें बेंड कर देना, बेंडिंग प्रोसेस कहलाता है। और फाइनली आपका क्या है फिनिशिंग है, फिनिशिंग कैसे पहले भी आपका क्या है ब्लॉकिंग है या स्वेजिंग है। ब्लॉकिंग क्या है कि आपको एक रफ अप्रॉक्सीमेट आपको शेप जो अगर बना लेंगे, तो जो बनाने का तरीका है उसको स्वेजिंग या ब्लॉकिंग बोलते हैं, एक अप्रॉक्सीमेट शेप जो बनाने का तरीका है उसको स्वेजिंग या ब्लॉकिंग कहते हैं। और फाइनली फिनिशिंग होगा जिसमें हम फिनिशिंग करते हैं। तो ये आपका सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन भी है, इसको भी आपको याद रखना है कि इस सीक्वेंस में ही आपको मूव करना है। और फाइनल जो टेक्निक है वो हमारा क्या है, फाइनल जो टेक्निक है वो हमारा क्या है ट्रिमिंग है, मतलब आप उसको कटेंगे, ट्रिमर सेविंग करने के लिए हम ट्रिमर यूज करते हैं, उसी तरह से ट्रिमिंग है। अब तो जो भी फोर्जिंग प्रोसेस में एक्स्ट्रा पार्ट्स होंगे जो हम रिक्वायर्ड नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड पार्ट्स है, उसको हम क्या करते हैं सेपरेट आउट कर लेंगे, और सेपरेट आउट करने के लिए जो प्रोसेस यूज करेंगे उसको बोलते हैं ट्रिमिंग, तो हम ट्रिम कर लेंगे। तो हम आपने देखा होगा जो माली होते हैं वो आपका क्या करते हैं बगीचा में तो गार्डन में क्या करते हैं उसको ट्रिम करते हैं, तो ट्रिमिंग प्रोसेस। तो ये सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन भी है। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में फोर्जिंग प्रोसेस को देखा है। फिर नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ आएंगे, मिलेंगे आपके साथ, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच।